दाल गंडोरी खानदेश की बहुत ही स्पेशल ऐसी डिश है। महाराष्ट्र में ये बहुत लोकप्रिय ऐसी रेसिपी है। कोई फेस्टिवल हो या फिर पार्टी, खानदेश में ये डिश ज़रूर बनती है। चपाती या राइस के साथ ये खाई जाती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जैमी किचन। लीना जैमी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कटा हुआ बारीक पालक। एक कटोरी हमने कटा हुआ पालक लिया है, आधी कटोरी तूर की दाल ली है और हमने दूसरी सब्जी ली है वो है आंबट चुका, या इसे ग्रीन सॉरल या खट्टा पालक भी कहते हैं। आधी कटोरी हमने एक बैंगन काट के लिया है, एक कटोरी छोटा कच्चा टमाटर कट करके लिया है, चार बड़ी वाली हरी मिर्च और चार छोटी वाली हरी मिर्च कट करके ली है, मूंगफली के दानों की पाउडर दरदरी ऐसे बना के ली है, कोकोनट भी हमने छोटे छोटे पीसेस कट करके लिए है, एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट हम लेंगे, कड़ी पत्ता भी हम लेंगे। कड़ी पत्ता से बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट सब्जी में आती है। सभी सब्जियां अभी हम कुकर में डाल के अच्छे से पका लेंगे। सबसे पहले हम बैंगन डालेंगे, फिर आंबट चुका इसमें ऐड करेंगे, दाल भी मिला देंगे। आंबट चुका जो रहता है बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए बढ़िया रहता है। कच्चे टमाटर से बहुत ही बढ़िया ऐसे स्वाद सब्जी में आता है। ये जो अभी हम ऐड कर रहे हैं वो है पालक। पालक तो पौष्टिकता से भरा है, इसलिए ये सब्जी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक भी रहती है। हरी मिर्च मिलाएंगे। ये चार चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें 2 कप पानी मिला देंगे। कुकर अच्छे से पैक कर देंगे और गैस पे रख के हम इसके 4 सीटी निकालेंगे। 4 सीटी होने के बाद हम एक कुकर ओपन करेंगे। दाल और सभी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई है। इसमें जो मिर्च है उसमें कुछ मिर्च हम साइड में निकाल के रखेंगे। अगर हम सभी मिर्च इसमें अभी यूज़ कर लेते हैं तो सब्जी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनती है। ये दाल और बाकी की सब्जियां हमें अच्छे से घोट लेनी है, इसलिए हम ये थोड़ी मिर्च साइड में निकाल के रखेंगे और इसे बाद में यूज़ करेंगे। इतनी मिर्च हम साइड में रखेंगे। अभी ये दाल और सब्जी हम अच्छे से घोट लेंगे। हमें एकदम फाइन ऐसी पेस्ट इसकी नहीं बनानी है, थोड़ा ही हम इसे घोट लेंगे। इसी कंसिस्टेंसी की हमें ये सब्जी घोट लेनी है। पैन हमने हीट करने के लिए रख दिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल हम लेंगे। ऑयल अच्छे से हीट हो गया है।
वन स्पून जीरा और वन स्पून राई हम इसमें मिलाएंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है। कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे। वन स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली के दाने हमने इसमें ऐड किए। इसके साथ हम कोकोनट भी इसमें मिलाएंगे। इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। जो सब्जी हमने घोट ली थी उसे हम ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसे एरोमा इसका आ रहा है। एक छोटा चम्मच हल्दी और दो छोटे चम्मच गरम मसाला हम इसमें मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच मूंगफली की पाउडर हम इसमें मिलाएंगे। स्टार्टिंग में हमने जो मिर्च अलग से निकाल के रखी थी वो हम अभी ये सब्जी में ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमारी सब्जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये जो सब्जी है ये थोड़ी पतली अच्छी लगती है, इसके लिए हम इसमें पानी मिला देंगे। ज़रूरत अनुसार हम इसमें पानी मिलाते जाएंगे। लगभग एक ग्लास पानी मैंने इसमें मिलाया है। अगर आप ये चपाती के साथ खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पतली चाहिए, और अगर आप ये राइस के साथ खाएंगे तो थोड़ी गाढ़ी सब्जी बनानी है। चपाती के लिए इसी कंसिस्टेंस की सब्जी हम बनाएंगे। हरा धनिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा हरा धनिया इसमें यूज़ करूँगी। स्वादानुसार हम इसमें नमक मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। लग रही है ना बढ़िया? हो रही है आपकी भी खाने की इच्छा? और थोड़ा पानी हम इसमें मिलाएंगे, क्योंकि उसे बॉईल करने के बाद वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसे कलर इसको आया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये ऐसे प्लेट में लेके भी आप पीने के लिए बहुत ही टेस्टी ऐसी सब्जी है। सब्जी पूरी तरह कुक हो गई है, अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आपका कीमती समय निकाल के वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।